हेलो स्टूडेंट्स, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम, केम छो, राम राम, वेलकम ऑन आर नॉट आर योर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग। ये है फ्यूचर की तैयारी एंड मैं आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं इन आर कॉन्सेप्ट थ्रो क्वेश्चन सीरीज में। एंड दिस इज द सॉल्यूशन वीडियो ऑफ द PDC 3 एंड द टॉपिक इज द बॉडी स्टेबिलिटी क्राइटेरियन एंड द फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द PDC, राइट। सो यहाँ से मेरे 3 से 4 और यू कैन से 2 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। सो वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड व्हाट इज द बॉडी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया एंड कैसे हम स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, राइट। चलो बने रहिएगा मेरे साथ में, प्लीज डोंट स्किप द वीडियो, ओके। चलो शुरू करते हैं। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर बाउंडेड इनपुट सिस्टम रिस्पॉन्स इज अनबाउंडेड देन द सिस्टम मस्ट बी, ओके। सो सिस्टम स्टेबल कब होगा? अगर मेरे पास में दिस इज माई इनपुट, इनपुट इज माई बाउंडेड इनपुट एंड अनबाउंड एंड दिस इज माई सिस्टम एंड दिस इज माई अनबाउंडेड आउटपुट, इसका मतलब क्या है कि इनपुट आपने कुछ बाउंडेड दी और आपकी जो आउटपुट है वो अनबाउंडेड है, देर इज नो लिमिट ऑफ द आउटपुट। सो इट मीन्स द सिस्टम इज अनस्टेबल। फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, फॉर द बाउंडेड इनपुट आउटपुट शुड बी बाउंडेड फॉर द स्टेबल सिस्टम। एंड यही तो हम बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी का क्या सिस्टम है? स्टेबल का सिस्टम क्या है कि एक जगह पे ठहर जाए, है ना। तो जैसे हम जब किसी की शादी हो जाती है तो क्या बोलते हैं कि परमानेंटली सेटल हो गया, मतलब स्टेबल हो गया ना, ये वो इधर उधर नहीं घूमेगा, राइट, है ना। सो लाइकवाइज स्टेबिलिटी का सिस्टम क्या होता है कि पर्टिकुलर वैल्यू पे वो रह जाए, ऐसा नहीं है कि उसकी लिमिट ही नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, दैट फॉर द बाउंडेड इनपुट आउटपुट शुड बी बाउंडेड। सो बाउंडेड इनपुट है या अनबाउंडेड इनपुट है, या बाउंडेड आउटपुट है या अनबाउंडेड आउटपुट है, इसको कैसे चेक किया जाता है? फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाइए उसके ऊपर। इनपुट है तो इनपुट पे, आउटपुट है तो आउटपुट पे। फाइनल वैल्यू थ्योरम का मतलब, हम PDC में क्यों यूज करते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम? फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज करते हैं उसकी वैल्यू निकालने के लिए एट टी इन्फिनिटी, और यू कैन से एट लास्टली अल्टीमेटली कहाँ पे वो पहुँचता है। अगर ये इन्फाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब है कि वो अनबाउंडेड है, राइट। एंड वो किसी पर्टिकुलर, किसी फाइनाइट वैल्यू पे पहुंचता है, तो मतलब अल्टीमेटली वो यहां तक ही जाता है, मतलब देयर इज सम फाइनाइट वैल्यू, इट मींस दैट इनपुट और आउटपुट इज बाउंडेड वैल्यू, ओके। सो फॉर द स्टेबल सिस्टम आउटपुट एंड इनपुट शुड बी बाउंडेड। इनपुट अनबाउंडेड है उसका तो मतलब ही नहीं बन जाता, वो तो ऑलरेडी ही क्या है, मेरा अनस्टेबल सिस्टम है। सो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में बेसिकली मेरा जो इनपुट होता है वो क्या होता है? साइनोसोइडल इनपुट होता है ना, साइनोसोइडल इनपुट होता है। एंड साइनोसोइडल इनपुट होता है तो साइनोसोइडल का मतलब क्या है? वेव नेचर की इनपुट है मेरी। तो मेरे पास में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में वेव नेचर की इनपुट होती है और वेव नेचर की मेरे पास में क्या होती है? आउटपुट होती है। सो विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेव वी विल कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, राइट। सो यहां से एम्पलीट्यूड रेशियो मेरा क्या होता है? एम्पलीट्यूड रेशियो इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट, राइट। तो यहां के वेव के जो मेरे पास मैग्नीट्यूड है उनका रेशियो से मैं क्या निकालता हूं? एम्पलीट्यूड रेशियो। एंड इस रेशियो की हेल्प से वी विल कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। कैसे? मान लीजिए मेरे पास में जो आउटपुट है और इनपुट, इनका रेशियो मान लो मेरे पास में ग्रेटर देन 1 है। इफ दिस इज ग्रेटर देन 1, इट मींस द एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट इज द ग्रेटर देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट, इट मींस दिस इज द अनबाउंडेड सिस्टम, द आउटपुट इज अनबाउंडेड। आप जो आउटपुट है वो आपके ऊपर जा रही है, इट मींस इफ योर एम्पलीट्यूड रेशियो इज ग्रेटर देन 1, इट मींस द सिस्टम इज अनस्टेबल सिस्टम, ओके। एंड इफ दिस इज लेस देन 1, इट मींस द बाउंडेड, द आउटपुट, द एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट, इट मींस कि सिस्टम हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। उसका जो मैग्नीट्यूड है इस वेव से क्या है? कम है। इसका मतलब है कि एट अ पर्टिकुलर वैल्यू, एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द टाइम सिस्टम जो है मेरा स्टेबिलिटी को अचीव कर लेगा और मेरा सिस्टम क्या है? स्टेबल है, ठीक है। सो इफ योर AR इज ग्रेटर देन 1, देन द सिस्टम इज अनस्टेबल। इफ दिस इज लेस देन 1, देन द सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम, राइट, ओके। सो देखिए, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बेसिकली हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है, है ना। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम राउ थेरेपी यूज़ कर रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एक अल्टरनेट वे है स्टेबिलिटी को चेक करने का। तो मान लीजिए मेरे पास में 100 ऑर्डर का सिस्टम है, तो वहाँ से राउ थेरेपी बनाना डिफिकल्ट टास्क है ना। सो अगर मेरे पास में बहुत ज़्यादा ऑर्डर है
तो मेरे पास में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और यू कैन से कि जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है उसकी, ठीक है, मैंने आउटपुट निकाली, रिस्पॉन्स निकाल के मैंने फाइनल वैल्यू थ्योरम ऑन द पेपर मैंने चेक कर लिया, बट ऑन द पेपर अगर वही सिस्टम थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, यू कैन से सेवन्थ ऑर्डर, एट्थ ऑर्डर का हो, तो वहाँ से उसका लाप्लास इन्वर्स करना और फिर फाइनल वैल्यू थ्योरम निकालना, फिर देखना कि वो स्टेबल है कि नहीं है, बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। सो ये जो टास्क है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ऑन द पेपर, राइट। सो हमने एक अल्टरनेट वे निकाला, दैट इज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, एंड द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स साइनसोइडल इनपुट होती है। और हम क्या करते हैं, कोई भी सिस्टम हो जो मेरा एस डोमेन होता है, हम उसको आइटा ओमेगा पुट करते हैं, ठीक है। उस वहां से क्या करते हैं, आइटा ओमेगा, जैसे मान लो मेरे पास में फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, केपी डिवाइडेड बाई वन प्लस टाउ पी एस, तो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। सो एस की जगह आप क्या करते हो, आइटा ओमेगा पुट करते हो, आइटा ओमेगा पुट करते हो। आफ्टर आइटा ओमेगा इस टर्म को हम क्या करते हैं, ए प्लस आइटा बीटा की टर्म में मैनिपुलेट करते हैं। और यहाँ से करने के बाद में यहाँ से फिर मैं क्या निकालता हूँ, दिस इज माई कॉम्प्लेक्स सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, और यहाँ से मैं निकालता हूँ एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड क्या होता है मेरा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से एम्पलीट्यूड निकालूंगा मैं, एंड यहाँ से फेज एंगल, फेज एंगल कितना होता है मेरा, टेन इनवर्स डिवाइडेड बाय बी बाई ए, ठीक है। सो यहाँ से मैं क्या निकालता हूँ, ये हो गया मेरा एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट वन है, सो दिस इज माई एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ द दैट प्रोसेस, एंड दिस इज माई फेज एंगल। सो विद द हेल्प ऑफ ए आर एंड द फाइव वी विल कैलकुलेट द स्टेबिलिटी, और विल यू कैन से चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं, समझ में लग गया होगा आपको, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो द आंसर इज अनस्टेबल सिस्टम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द लिमिट ऑफ फेज एंगल ऑफ पी आई कंट्रोलर, ओके, द फेज एंगल, चलो एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए क्या है, चेक कर लीजिए एक बार इसको। ओके, तो क्या है, द लिमिट्स ऑफ द फेज एंगल फॉर पी आई कंट्रोलर। सो मैंने क्या बताया, पहले हम एस को आइटा ओमेगा पुट करेंगे इन द ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। सो ट्रांसफर फंक्शन मेरा क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन क्या है मेरा पी आई कंट्रोलर का, यहां पे सोल्व करते हैं इसको। ट्रांसफर फंक्शन होगा मेरा के सी इंटू वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टाउ आई एस, टाउ आई इज द टाइम कॉन्स्टेंट फॉर द इंटीग्रल कंट्रोलर पी आई, है ना। सो एस को क्या पुट करना है, आई टाउ ओमेगा, ठीक है। सो के सी इंटू वन प्लस वन डिवाइडेड बाई आई टाउ ओमेगा टाउ आई, राइट। यहां से मुझे क्या करना है, मुझे ए प्लस आइटा बीटा की टर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से आइटा ओमेगा को मल्टीप्लाई किया और आइटा ओमेगा से डिवाइड किया, तो ये क्या हो गया मेरे पास में के सी इंटू वन प्लस आइटा ओमेगा डिवाइडेड बाई आइटा स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। आई होप यहां तक क्लियर है। सो यहां से ओमेगा कैंसिल, एंड दिस इज आइटा स्क्वेयर माइनस वन, सो दिस इज के सी इंटू वन माइनस आइटा डिवाइडेड बाई ओमेगा, यही आएगा, आइटा स्क्वायर इज माइनस वन, एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल, आइटा डिवाइडेड बाई वन, सो दिस इज के सी माइनस आइटा के सी डिवाइडेड बाई ओमेगा। सो यहाँ ए प्लस आइटा बीटा की टर्म में आ गया यहाँ पे। यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ अपना एम्पलीट्यूड रेशियो। सो यहाँ से मेरा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट के सी इंटू वन प्लस दिस इज के सी स्क्वायर वन प्लस वन डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर, ओके, टाउ वाई रह गया, सॉरी टाउ वाई, दिस इज टाउ वाई स्क्वायर, ठीक है, दिस इज टाउ वाई स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से मेरा क्या आ गया, टाउ वाई स्क्वायर, ये मेरा एम्पलीट्यूड रेशियो आ गया। यहाँ से मैं फेज एंगल निकालूंगा, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स b बाई ए, बी क्या है मेरा, b है मेरा दिस टर्म, दिस इज माई b, सो दिस इज के सी डिवाइडेड बाई ओमेगा, a क्या है मेरा ओमेगा c, सो के सी से कैसी कैंसिल, सो फाइव क्या आ गया मेरा, टेन इनवर्स माइनस वन बाई ओमेगा।
यहां से मुझे क्या निकालना है, लिमिट निकालनी है। तो आप ओमेगा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पहले एक बार बहुत लो रख के देखिए और एक बार फिर आप बहुत हाई रख के देखिए। तो व्हेन ओमेगा सी इज अप्रोचेस टू जीरो देन दिस इज टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी इज माइनस पाई बाई टू। ओके एंड पुट द माइनस पुट द ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी देन दिस टेन इनवर्स जीरो एंड टेन इनवर्स जीरो इज जीरो। सो द लिमिट शुड बी माइनस पाई बाई टू टू जीरो। ठीक है, सो यू कैन कैलकुलेट द ए आर एंड द फाई फॉर एनीथिंग, फॉर द पी आई पी डी कंट्रोलर, पी आई डी कंट्रोलर, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब सारे की सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो होप्स हो कि ऐसा क्वेश्चन फिर भी आ सकता है एक नंबर में। तो जितने भी हैं उनके एम्पलीट्यूड रेशियो आपको याद होने चाहिए, वहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए नहीं बैठना है। ठीक है, हाँ आपको तरीका ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रांसफर फंक्शन यही मिले, ट्रांसफर फंक्शन आपको कुछ भी गिवन हो सकता है, पर जस्ट करना क्या है, आपको बस एस की जगह एटा ओमेगा पुट करना है, ए प्लस एटा बीटा में लिखना है, और टेन इन फाई निकालना है और ए आर निकालना है। ठीक है, दैट्स इट। सो दिस इज माइनस पाई बाई टू जीरो, दिस इज माई आंसर। ओके चलो, आंसर बी, दिस इज नॉट बी, आंसर इज सी। ओके सो दिस इज सी आंसर। ओके ठीक है, सॉरी दिस इज सी आंसर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप क्या है, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन फॉर द गिवन बॉडी प्लॉट। सो दिस इज माई बॉडी प्लॉट एंड आई हैव टू कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन। सो हेयर टू काइंड ऑफ टू टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल सी दैट फ्रॉम द गिवन बॉडी प्लॉट वी विल कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन, और यू कैन सी द सेकेंड टाइप इज दैट द फ्रॉम द ट्रांसफर फंक्शन वी विल प्लॉट द बॉडी, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट वी हैव अ बॉडी प्लॉट एंड वी हैव टू कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस बॉडी प्लॉट, राइट। सो कैसे करेंगे इसका, ये देखिए। तो पहले इसका थोड़ा बेस देख लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको सीधे सीधे बता दूंगा ट्रिक, और यू कैन से कि सीधा कैसे देखते ही कर देना है। ठीक है, सो करना क्या है बेसिकली, आपको देखिए जो मेरा बॉडी प्लॉट होता है, बॉडी प्लॉट इज ऑलवेज प्लॉट बिटवीन द लोग ए आर एंड लोग ओमेगा। ठीक है, इनके बीच में बॉडी प्लॉट बनता है लोग लोग, ठीक है, लोग ए आर और लोग ओमेगा में। ठीक है, सो this is the body plot. So I have a first order system, और इसका मैं जब ए आर निकालता हूँ तो वो मुझे मिलता है के पी अंडर रूट वन प्लस टाउ पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जब मैं इसका ए आर निकालता हूँ तो, राइट। ओके नाउ अब मुझे ओमेगा ए आर और ओमेगा टाउ पी में मुझे क्या निकालना है, बॉडी प्लॉट। सो पहले ओमेगा टाउ पी की सबसे स्मॉल वैल्यू ले लीजिए और फिर उसके बाद में सबसे हाई वैल्यू, दो एक्सट्रीम वैल्यूज लेनी है बेसिकली। तो ओमेगा टाउ पी की जब मैं वैल्यू लेता हूं अप्रोचिंग टू जीरो देन माय ए आर इज इक्वल टू के पी, राइट। एंड अगर मैं ओमेगा टाउ पी की लेता हूं वेरी वेरी हाई और यू कैन से टेंस टू इन्फिनिटी देन दिस इक्वल टू ओमेगा ए आर इज इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाई this one can be neglected because omega tau p is very very high. So this is omega square tau p square. So यहाँ से जो under root है square से कट जाएगा, so divided by में omega tau p. ठीक है, और यहाँ से अगर मैं log log लूँ, so log ar is equal to log kp minus log omega tau p. So log kp, kp is your intercept and minus 1 slope. So sorry in the question, this is minus 1, not plus 1. This is minus 1, ठीक है? Minus log omega of t. So minus 1 is the slope here, ठीक है? तो अगर आपको सीधा इस टाइप का बॉडी प्लॉट दिखे, तो आप समझ जाओ सीधा किसका है, वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का है, राइट? फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का है. समझ में आया कैसे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, ठीक है? So यहाँ तक ये जो मेरी होती है, ये दिस इज माई, यहां से मेरा क्या निकलेगा, इफ दिस इज ए आर इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए मेरा है के पी मेरा वन है, सो दिस इज वन ओमेगा टाउ पी, वन ओमेगा टाउ पी, ठीक है। तो अगर मेरा ए आर वन है, अगर मेरा ए आर वन है तो ये क्या आ जाएगा, मेरा ओमेगा इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई टाउ, राइट। सो दिस इज ओमेगा टाउ पी, सो दिस इज 20,
So my tau p is equal to 1 by 20. यहां से मेरा tau p निकल जाएगा 1 by tau p 1 by 20. ये क्या है मेरा kp. यहां पे कोई भी टर्म दिखे वो आपकी kp रहेगी. ये क्या होता है बेसिकली, ये होती है आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि इस फ्रीक्वेंसी तक मेरा एम्पलीट्यूड रेशियो कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद में डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन. ठीक है, दिस इज माय कॉर्नर फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाउ. सो टाउ क्या गया 1 बाय ओमेगा, दैट इज 1 बाय 20. राइट, ओके. और अगर ये इस टाइप का माइनस वन है तो समझ में आ गया किस टाइप का ट्रांसफर फंक्शन है, के पी डिवाइडेड बाई टाउ पी एस प्लस वन. राइट, के पी क्या आ गया मेरा, दिस इज माई के पी 10. सो 10 डिवाइडेड बाई टाउ पी 1 बाई 20 एस प्लस वन. सो ये क्या आ गया आपका 200 एस प्लस 20 इज योर आंसर. मैंने बताया था एम्पलीट्यूड रेशियो आपका लेस देन वन जो है वो शो करता है कि आपका सिस्टम स्टेबल है. राइट, सो ये क्या आपका शो कर रहा है कि ये शो कर रहा है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद में आपका सिस्टम जो है वो जो आपका एम्पलीट्यूड रेशियो हो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है. इट मीन्स मेरा सिस्टम यहाँ से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद में स्टेबल होना शुरू हुआ है. राइट, सो दिस इज माई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी. कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद में आपको क्या है आपका सिस्टम में एम्पलीट्यूड रेशियो जीरो की तरफ अप्रोच होना शुरू हुआ है. ठीक है, अगर अगर आपका होता, सो दिस इज माइनस वन. ठीक है, माइनस वन अगर आपका होता ऐसे प्लस वन. सो एक किस टाइप का ट्रांसफर फंक्शन होता, के पी इंटू वन प्लस टाउ पी एस, और एस को हम क्या पुट करते हैं आइटा ओमेगा. सो यहां से आपका एम्पलीट्यूड रेशियो क्या आ जाएगा, अंडर रूट वन प्लस टाउ पी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. चलो के पी को वन मान के चलते हैं. ठीक है, ओके. सो जो भी के पी होगा, चलो मैं बताता हूँ आपको. एम्पलीट्यूड रेशियो हो गया मेरा ये. सो अब वही करना है एम्पलीट्यूड रेशियो की, पहले ओमेगा ओमेगा टाउ पी की वैल्यू बहुत कम लेनी है, दो एक्सट्रीम वैल्यू लेनी है. सो व्हेन ओमेगा टाउ पी टेंस टू जीरो, ए आर इज इक्वल टू वन, एंड इफ इट इज टेंस टू हाई इन्फिनिटी देन माई ए आर इज इक्वल टू ओमेगा टाउ पी, एंड लोग ए आर इज इक्वल टू लोग ओमेगा टाउ पी. सो प्लस वन स्लोप. सो अगर ऊपर जा रहा है इसका मतलब दिस काइंड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन है ये. तो इसका मेरा क्या बन जाएगा बोर्डे प्लॉट, ये मेरा ए आर है, ये मेरा ओमेगा टाउ पी है. तो ए आर मेरा क्या है, के पी मेरा वन है, तो दिस इज माई के पी वन. सो वन मेरा रहेगा कब तक, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक, और बाद में प्लस वन से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि किस टाइप का ट्रांसफर फंक्शन है ये, इस टाइप का ट्रांसफर फंक्शन है. तो सिंपल, अगर आपको बोर्डे प्लॉट दिखता है इस टाइप का, तो पहले आप यहाँ की निकालिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, और इस टाइप का तो इसका मतलब इस टाइप का ट्रांसफर फंक्शन रहेगा. अगर माइनस वन से नीचे जा रहा है तो किस टाइप का होगा, के पी डिवाइडेड बाई वन प्लस टाउ पी एस. राइट, ओके, आई होप ये क्लियर है आपको, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी क्लियरिटी आ जाएगी आपको. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. सो आंसर इज बी, 200 डिवाइडेड बाई एस प्लस 20. दिस इज माई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. ओके, बोर्डे प्लॉट, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, ऑल दीज टर्म्स आर बेसिकली कैलकुलेटेड फॉर द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. राइट, सो दिस इज माई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, एंड दीज आर द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वैल्यूज, एंड दीज आर द स्लोप वी हैव टू मैच कॉलम वन टू कॉलम टू. ठीक है, तो पहले इसका हम करेंगे बोर्डे प्लॉट. राइट, तो पहले मैंने बोर्डे प्लॉट से ट्रांसफर फंक्शन निकाला, अब ट्रांसफर फंक्शन से बोर्डे प्लॉट बनाएंगे. ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है, अभी बना देते हैं. दिस इज माई ए आर, दिस इज माई ओमेगा टाउ पी. ठीक है, मैं ए आर और ओमेगा टाउ पी लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इट्स लॉग लॉग ग्राफ. ठीक है, ओके, सो एक बार दो को भूल जाओ, एस प्लस वन एंड पॉइंट फाइव एस प्लस वन. इसमें दो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है, सो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई टाउ. राइट, सो कितने भी ट्रांसफर फंक्शन हो, पहले कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकाल लो विद द हेल्प ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट. ठीक है, सो इस वाले में दिस इज वन डिवाइडेड बाई पॉइंट फाइव, तो ये कितना आ गया टू, एंड यहां पे कितना है वन वन. सो वन एंड टू, हेयर टू कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज आर देयर. सो दिस इज वन एंड दिस इज टू, दो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो गई मेरे पास. ठीक है, अब इनका मतलब क्या है, देखिए
वन किसका है, इसका एस प्लस वन का, दिस इज एस प्लस वन। तो किस टाइप का आ गया, के पी इंटू टाउ पी एस प्लस वन। तो अगर अभी के लिए के पी वन मानो, ठीक है, सो टाउ पी एस प्लस वन इस टाइप का। इसका मतलब क्या है कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक कॉन्स्टेंट रहेगा, इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी है वन, राइट, एंड उसके बाद में ऊपर है तो ये प्लस वन से ऊपर चला जाएगा, प्लस वन स्लोप से, ठीक है। फिर इसकी बात करते हैं, ये टू तक मेरा कांस्टेंट रहेगा एम्पलीट्यूड रेशो, टू तक कांस्टेंट रहेगा एम्पलीट्यूड रेशो, और ये नीचे है टाउ पी एस प्लस वन नीचे है, और फिर ये माइनस वन से नीचे की तरफ चला जाएगा। सो दिस इज स्क्वायर, इसका मतलब है जस्ट एट द स्लोप, तो दिस इज माइनस टू, क्यूब होता तो माइनस थ्री से जाता, फोर हो तो माइनस फोर से जाता, ठीक है, ओके। ये पार्ट डन, ये पार्ट डन, नाउ दिस इज ट्रांसपोर्टेशन लैग। सो ट्रांसपोर्टेशन लैग का एम्पलीट्यूड रेशो वन होता है, तो ऑलवेज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज नहीं होता है, तो बोर्डे प्लॉट पे ट्रांसपोर्टेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे चाहे कोई भी फंक्शन हो ट्रांसपोर्टेशन लैग का, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड रेशो कितना होता है, वन होता है हमेशा। उसका जो ग्राफ होता है वो कॉन्स्टेंट होता है एम्पलीट्यूड रेशो का, तो उसका स्लोप जो हमेशा जीरो रहेगा, तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं है, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सिर्फ स्लोप को ऐड करके लिमिट्स निकालनी है, ओके। सो नाउ दिस इज वन, ठीक है। अब ये टू, टू है मेरा KP, इस ओवरऑल प्रोसेस का, इस ओवरऑल प्रोसेस का KP कितना है टू, तो ये पूरा का पूरा बोर्डे जो प्लॉट है ये टू KP से शिफ्ट हो जाएगा, टू KP से शिफ्ट हो जाएगा, सो दिस इज टू, ठीक है। इसीलिए पिछले वाले क्वेश्चन में जो यहाँ पे 10 था, तो हमने केपी की वैल्यू कितनी ले ली थी, 10 ले ली थी। तो ये बेसिकली क्या होता है, आपका केपी होता है, ठीक है। अब जस्ट कुछ नहीं करना, आपको स्लोप को ऐड करना है, ठीक है। सो जीरो से लेके वन तक, जीरो से वन तक स्लोप मेरा क्या है, जीरो। सो स्लोप मेरा है जीरो, सो पी वन हो गया, पी वन यहाँ पे भी, पी वन यहाँ पे, पी वन यहाँ पे भी, ठीक है। नाउ वन टू टू, वन टू टू जो मेरा ये वाला पार्ट है वो जीरो स्लोप से जा रहा है, और ये वाला जो पार्ट है वो प्लस वन से जा रहा है। तो यहां तक टोटल कितना हो गया, जीरो प्लस वन, एड को स्लोप को जस्ट ऐड करना है वन। सो वन टू टू इट्स वन, क्यू थ्री, क्यू टू ये गलत हो गया, क्यू थ्री ये एंड ये, बी एंड सी ये कैंसिल, ये कैंसिल, नाउ बी और सी में से आंसर होगा, अब डिपेंडिंग अपॉन द अगला। सो ग्रेटर देन टू पे क्या है, ये जा रहा है माइनस टू से और ये जा रहा है प्लस वन से, तो माइनस टू प्लस वन टोटल माइनस वन। तो यहां से लेके यहां तक जो ग्राफ है वो कहां जाएगा, माइनस वन, ये नहीं आएगा, क्या आएगा, माइनस वन से ओवरऑल ग्राफ नीचे जाएगा, ठीक है। सो माइनस वन टू, सो आर टू, आर टू ये गलत, आर टू, सो द आंसर इज योर, डी इज योर आंसर, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज द बोर्डे प्लॉट एंड हाउ वी कैन प्लॉट फ्रॉम द ट्रांसफर फंक्शन टू द बोर्डे प्लॉट टू बोर्डे प्लॉट द ट्रांसफर फंक्शन, राइट, ओके। देखिए, ओके, सो माय आंसर इज, डी इज माय आंसर, राइट, ओके। इफ क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज योर 1/2 साइकिल पर मिनट, देन द अल्टीमेट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, अल्टीमेट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, सो दिस इज माय अल्टीमेट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, वन इज अल्टीमेट गेन एंड वन इज अल्टीमेट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अल्टीमेट गेन इज बेसिकली कैलकुलेटेड एट एम्पलीट्यूड रेशो वन, हमेशा याद रखिए, सिर्फ ए आर इक्वल टू वन पे अल्टीमेट गेन निकलता है मेरा, ठीक है। एंड दिस इज माई अल्टीमेट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एंड अल्टीमेट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज बेसिकली कैलकुलेटेड एट द क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, ठीक है, क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी। देन वॉट इज द क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, सो इन द फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, इन द फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स योर फेज लैग इज माइनस 180 एट दिस फेज लैग, एट दिस फेज लैग जो फ्रिक्वेंसी निकलेगी मेरी वो क्या होगी, मेरी क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। सो माइनस 180 फेज लैग पे, फेज एंगल पे मेरा जो फ्रिक्वेंसी निकलेगी वो क्या होगी, मेरी क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी होगी, फर्स्ट थिंग, ठीक है। अगर इस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पे मेरा एम्पलीट्यूड रेशियो, एम्पलीट्यूड रेशियो एट दिस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी इज ग्रेटर देन वन, देन सिस्टम इज अनस्टेबल, एंड एट दिस सिस्टम इज स्टेबल, एंड इफ ए आर एट ओमेगा सी इज इक्वल टू वन, देन इट इज मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, देन इट्स मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, राइट, ओके।
सो अल्टीमेट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है मुझे. सो अल्टीमेट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किस पे निकलेगा, ओमेगा सी, दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा सी. ओमेगा सी आपको दे रखा है, जस्ट पुट द ओमेगा सी वैल्यू एंड कैलकुलेट द अल्टीमेट. दिस इज पी यू नॉट पी फोर, दिस इज पी यू. 2 पाई बाय ओमेगा सी दैट इज 4 पाई मिनट पर साइकिल. ओके, नाउ द एम्पलीट्यूड रेशियो टू चेक द स्टेबिलिटी ऑलवेज कैलकुलेट. सो ऑलवेज कैलकुलेट एज प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या है आपसे डिस्कस किया कि एम्पलीट्यूड रेशियो को किस पे चेक करते हैं, क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे, नॉट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे. कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बॉर्डर प्लॉट में ये शो करती है कि यहाँ तक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक मेरा एम्पलीट्यूड रेशियो जो वो कॉन्स्टेंट रहेगा. आफ्टर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इट विल डिक्रीज और इट विल इंक्रीज, और यू कैन से इट विल चेंज, राइट? दैट इज डिफरेंट थिंग. क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट थिंग. क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली हेल्प टू चेक द स्टेबिलिटी. जब हम स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी को चेक करते हैं तो क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे चेक करते हैं. और क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कैसे चेक होती है, फेज एंगल को माइनस 180 पुट करके आप फ्रीक्वेंसी निकालिए. वो जो फ्रीक्वेंसी होगी आपकी क्या होगी, क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होगी. तो एम्पलीट्यूड रेशियो को स्टेबिलिटी के लिए चेक करने के लिए, अनस्टेबिलिटी के चेक करने के लिए, मार्जिनल स्टेबल चेक करने के लिए हम कौन सी फ्रीक्वेंसी हम पुट करते हैं, क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं. ठीक है, चलो. सो आंसर इज बी. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. एम्पलीट्यूड रेशियो इज 0.5 एट क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज दिस, देन व्हाट इज माय गेन मार्जिन. नाउ दिस इज द बेसिकली गेन मार्जिन एंड द फेज मार्जिन. सो बेसिकली हम बात करते हैं पहले तो मार्जिन की. हम मार्जिन बहुत एक कॉमन वर्ड है. मार्जिन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम हमारी जो नोटबुक भी होती है उसके अंदर इधर क्या होता है, लाइन होती है ना, लेफ्ट साइड में लाइन होती है, वहाँ हम क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर लिखते हैं. तो बेसिकली वो उन लिखने के लिए एक मार्जिन दिया हुआ है. हम कहें कभी भी वहाँ से टॉपिक शुरू नहीं करते. अगर हम कंजूस हैं तो एक अलग बात है, कुछ लोग तो वहाँ बिल्कुल कॉर्नर से लेके यहाँ कॉर्नर तक लिखते हैं, दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी. बट अगर आइडियली हम लिखते हैं तो वो जो हम उस पर सिर्फ क्वेश्चन और आंसर यही चीज़ें लिखते हैं, बाकी वो खाली रहता है पेज. बट पेज पूरा है, मैं वहाँ पर लिखता नहीं. क्यों? क्योंकि वो बेसिकली मेरे पास एक मार्जिन है. आई कैन राइट, बट वो मेरे लिए मार्जिन दे रखा है मुझे. दिस इज द मार्जिन. सो गेन मार्जिन, फेज मार्जिन क्या है? गेन मार्जिन मुझे ये बताता है कि मैं कितना गेन और हो सकता है प्रोसेस का, कंट्रोलर का कितना गेन और हो सकता है ना. फेज मार्जिन का भी यही है कि कितना फेज लैग और हो सकता है. चलो इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं. ये मेरा एम्पलीट्यूड रेशियो है, ये मेरा ओमेगा टाउ पे वाला, ये मेरा फेज लैग है, और ये एक्सिस कौन सा, ओमेगा टाउ पे वाला. ठीक है, सो फाई माइनस 180 पे, फाई माइनस 180 पे जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो क्या होगी, ओमेगा सी, क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी. और क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे मैं चेक करता हूँ मेरा एम्पलीट्यूड रेशियो. सपोज दिस इज माई वन एम्पलीट्यूड रेशियो. So, if this is less than 1, at phi equal to minus 180, we calculate the crossover frequency, and at this frequency, if my amplitude ratio is less than 1, then my system is stable system. Gain margin and phase margin, Bode plot and ये सब चीज़ें क्या है? ये सिर्फ सारी की सारी चीज़ें stable system के लिए हैं. हम इनको सिर्फ और सिर्फ stable system के लिए discuss कर रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे गेन मार्जिन और फेज मार्जिन जो है वो स्टेबल सिस्टम के लिए कैलकुलेट करते हैं हम. ठीक है, सो अगर ये 1 से नीचे है तो मेरा स्टेबल सिस्टम है. सो ये मेरा 1 है. अगर ये 1 से ऊपर चला जाएगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा. तो मेरे पास में इतना गेन मार्जिन बचा है अभी, है ना. एट द ओमेगा सी माई एम ओमेगा इज सॉरी माई ए आर इज दिस एंड माई ए आर मैक्सिमम इज 1. 1 से ऊपर हो गया तो अनस्टेबल हो जाएगा. तो मेरे पास में इतना दिस मच गेन है मेरे पास में. वन थिंग, सेकेंड थिंग, एट ए आर इक्वल टू 1, ए आर 1 पे आप निकालते हो फाई, ए आर 1 पे आपने कोई फाई निकाला, दिस इज माई फाई 1, तो आपका फेज मार्जिन क्या हो जाएगा, आपका फेज मार्जिन हो जाएगा फाई 1 माइनस माइनस 180. इसका मतलब है कि दिस मच है ना. ये 1, ये मेरा क्या है 5 1, ये क्या है मेरा 180.
सो ये दिस इज माई फेज मार्जिन, कि फेज में मेरे पास इतना मार्जिन है। अगर ये 51 माइनस 180 से नीचे चला जाएगा मतलब सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको फेज मार्जिन गेन मार्जिन समझ में आएगा क्या है। सो बेसिकली ये वो लिमिट मुझे बताता है और मुझे इतना बताता है कि मैं कितना दूर हूँ अपने स्टेबिलिटी को लूज़ करने के लिए। सो अगर ये 1 से ऊपर हो जाता तो मैं अनस्टेबल हो जाता, तो मेरे पास में इतना मार्जिन है, इतना गेन का मार्जिन है और इतना मेरे पास में फेज का मार्जिन है। ठीक है, तो गेन मार्जिन कैसे निकालते हैं? गेन मार्जिन निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, मैंने बताया। देखो ये किस पे कैलकुलेट होता है, ओमेगा सी पे। ठीक है, सो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, जस्ट ये एम्पलीट्यूड रेशियो एट ओमेगा सी का रिवर्स है। सो गेन मार्जिन कैसे निकालेंगे, गेन मार्जिन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई AR एट ओमेगा सी, एट ओमेगा सी। ओमेगा सी इज माई क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, एंड क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे एट द फेज एंगल ऑफ 180 और फेज लैग ऑफ माइनस 180। अगर आपको क्वेश्चन में फेज एंगल दिया है तो राइट साइन वहां पे जो गिवन होगा वही लिखना है, बट अगर आपको फेज लैग दिया है, फेज लैग 180, तो इसको ऐसे नहीं करना है फाई इज इक्वल टू 180। नो, फेज लैग क्या अगर लिखा है तो फाई इज इक्वल टू माइनस 180, फेज लैग है ये। ठीक है, ओके, सो दिस इज हाउ गेन मार्जिन। तो मैं ग्राफिकली व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द गेन मार्जिन समझ में आया होगा, एंड मैथमेटिकली हाउ वी कैलकुलेट गेन मार्जिन ये भी समझ में आया होगा आई होप। सो एम्पलीट्यूड रेशियो मेरा 0.5 है एट द क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी दिस, तो गेन मार्जिन। सो यहां से कुछ नहीं करना, जस्ट 1 डिवाइडेड बाई 0.5। ठीक है, क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी मुझे बोला है क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पे। ठीक है, अगर किसी दूसरी फ्रिक्वेंसी पे होता तो मैं नहीं निकाल पाता, तो मुझे पहले क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ती, फिर वहां से मुझे एम्पलीट्यूड रेशियो निकालना पड़ता एट दैट पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी। बट मुझे क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी दे रखा, क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी का यहाँ पे कोई यूज ही नहीं है, है ना, क्योंकि मुझे ऑलरेडी दे रखा है 0.6 पे, 0.5 मेरा क्या है एम्पलीट्यूड रेशियो है। तो जस्ट 1 डिवाइड बाई 0.5 एंड दैट इज 2 इज योर गेन मार्जिन। ठीक है, एंड फेज मार्जिन कैसे निकालेंगे, फेज मार्जिन ऐसे निकालेंगे, ए आर को 1 पुट कीजिए, वहां से ओमेगा निकालिए, दैट ओमेगा इज एनी ओमेगा, नॉट क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी तो फाइव इक्वल टू माइनस 180 पे निकलती है ना। सो यहां से आप ओमेगा निकालिए और एट ओमेगा आप फाइव निकालिए, और यहां से आपको क्या करना है, दिस इज 51, दिस इज 51 माइनस 180। तो इस फ्रीक्वेंसी पे जो फाई आया है आपको, उसमें से माइनस 180 में से उसको सब्सट्रैक्ट कीजिए, दैट इज योर फेज मार्जिन। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू, इट्स वेरी सिंपल, थोड़ा बस अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ठीक है, ओके, नाउ द क्वेश्चन इज द क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ प्रोसेस हैविंग ट्रांसफर फंक्शन। ओके, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जैसे आपका बॉडी स्टेबिलिटी क्राइटेरियन है, जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है आपका चैप्टर, इसमें जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं, ये सारी की सारी हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए। ठीक है, अगर आपका क्लोज लूप भी दिया है तो भी उसको ओपन लूप में आप कंसिडर करेंगे। ओपन लूप का क्या मतलब है, जस्ट आपको ट्रांसफर फंक्शन का मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। ठीक है, क्लोज लूप में अदर कैलकुलेशन होती है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में सारा का सारा फंडा उल्टा है, कैसे, ओपन लूप में बात करते हैं हम हमेशा, ओएलटीएफ में हमेशा हम बात करते हैं। तो ये बोल रहा है कि मेरे पास एक क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कितनी 0.2, और ये मेरे पास में एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, एंड प्रोपोर्शनल कंट्रोलर लगाया हुआ इस प्रोसेस पे, उसका गेन KC है, तो मुझे KC की वैल्यू निकालनी है फॉर द मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल स्टेबल सिस्टम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। चलो पहले डिस्कस करते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो एंड फाई की। सो माई एम्पलीट्यूड रेशियो फॉर ओवरऑल प्रोसेस इज द मल्टीप्लीकेशन of the processes. If I have 3 process like that, and I have, this is AR1, AR2, AR3, okay? So the overall of AR is AR1 into AR2 into AR3. And phi overall is the addition of the phase angle. ठीक है? So, what is the meaning of marginal stable? The meaning of marginal stable, the meaning is the system is not stable, not unstable. It is marginally stable system. So, marginal system kab hoga? Maine pehle bataya tha AR equal to 1 pe. To stability check karne ke liye hamesha omega C pe baat karni hai aapko. To is system, is question ka matlab kya? Isne kya diya hai ki AR of the overall system at omega C is equal to 1.
इस कंडीशन पे मुझे केसी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इसने बोला मार्जिनल स्टेबल है। अगर ये बोलता फॉर द स्टेबल सिस्टम देन इट इज लेस देन वन, तो वहां से लिमिट निकल के आती केसी की। एंड इफ इट सेज कि दिस इज अनस्टेबल देन इट इज ग्रेटर देन वन। सो अब मुझे क्या करना है, वन पे निकालना है बिकॉज द सिस्टम इज मार्जिनल स्टेबल। सो अब जो मेरे पास में ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन क्या है मेरा, 5 इंटू ई रेज टू पावर 4s डिवाइडेड इंटू केसी डिवाइडेड बाई 5s प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये है मेरे पास में। तो ओवरऑल सिस्टम, सो AR ऑफ 5 इंटू AR ऑफ दिस, AR ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड AR ऑफ केसी इज इक्वल टू 1। सो इसलिए मैंने बोला था कि AR आपको हर एक का याद रखना है। अगर किसी का आपको पता नहीं है तो आप उसको निकालने का तरीका भी पता होना चाहिए, दैट वी पुट s इक्वल टू आइटा ओमेगा एंड कन्वर्ट दैट एक्सप्रेशन इन a प्लस आइटा बीटा एंड आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट एम्पलीट्यूड रेशियो एज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए। ओके, सो दिस इज 5 का एम्पलीट्यूड रेशियो, 5 का कॉन्स्टेंट का फेज एंगल हमेशा जीरो होगा और एम्पलीट्यूड रेशियो सेम रहेगा। सो ए आर 5 का 5 है, इसका एम्पलीट्यूड रेशियो क्या रहेगा, डेड टाइम प्रोसेस का क्या रहेगा मेरे पास में, 1 होगा। ठीक है, क्योंकि हम इसको लिखते हैं ई रेज टू पावर माइनस आइटा थीटा के टर्म में और इसको लिखते हैं कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और यहाँ से जब मैं निकालता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो इसका मेरे पास में क्या होता है एम्पलीट्यूड रेशियो 1। ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है, फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस का मेरे पास में क्या होता है एम्पलीट्यूड रेशियो 1 प्लस टाउ पी स्क्वायर एंड ओमेगा। ओमेगा कौन सा, ओमेगा सी, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं स्टेबिलिटी सिस्टम के निकाल रहे हैं। सो ओमेगा सी स्क्वायर, ठीक है, एंड केसी, ये दिस इज आल्सो कांस्टेंट वैल्यू केसी जो कि मुझे निकालना ही है। सो 5 इनटू केसी एंड दिस इज 1 डिवाइड बाय 5 स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से टाउ पी क्या है मेरा, टाउ पी मेरा 5 स्क्वायर, ओमेगा क्या है 1 बाय 5 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सो यहां से दिस इज कैंसिल, सो केसी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाय 5, दिस इज योर आंसर। सो अगर आपको केसी, अगर कंट्रोलर की वैल्यू अंडर 2 बाई 5 रखते हैं तो वो सिस्टम क्या होगा, मार्जिनल स्टेबल होगा, ना ही सिस्टम स्टेबल होगा ना ही अनस्टेबल होगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। ठीक है, अगर मान लो इस सिस्टम की मुझे क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालनी होती, अगर इस सिस्टम की मुझे क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालनी होती तो मैं क्या करता, तो मैं क्या करता, कुछ नहीं करता, फाई ऑफ फाई प्लस, क्योंकि फाई हम ऐड करते हैं ना, फाई ऑफ ई रेज टू पावर माइनस 4s प्लस फाई ऑफ 5s प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 180। तो कॉन्स्टेंट का फाई जीरो, ठीक है, इसके फाई की वैल्यू रखते हैं हम, ठीक है, और इसका फाई रखते हैं हम 10 इनवर्स माइनस टाउ पी ओमेगा सी, और यहाँ से हम ओमेगा सी निकालते हैं। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, ये जो टर्म है आपकी, इनको आप देखिए कि ये रेडियन में है या आपके क्या है डिग्री में है, तो इनको सबको सेम डोमेन में होना चाहिए, है ना। आप दो गधे और दो बंदर जोड़ के नहीं बता सकते हाउ मच गधे, नहीं बता सकते हाउ मेनी गधे, नहीं बता सकते, क्यों, क्यों, क्योंकि गधे अलग हैं बंदर अलग हैं। तो एडिशन का फर्स्ट रूल यही होता है जो फोर्थ फिफ्थ में सिखाया जाता है कि सेम डोमेन में होने चाहिए। तो जब इनको आप ऐड करोगे तो सेम डोमेन में होने चाहिए, चाहे तो डिग्री में हो चाहे रेडियन में हो। अगर कोई, अगर चार टर्म डिग्री में है एक रेडियन में है, तो रेडियन वाले को डिग्री में चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द ओमेगा सी, कि फाइव ओवरऑल फाई और ओवरऑल फाई ऐड होता है पर्टिकुलर एक एक टर्म का अलग अलग लिख लीजिएगा, उसको माइनस 180 पुट कीजिएगा और वहां से ओमेगा सी की वैल्यू निकालिएगा। ठीक है, बेसिकली वहां से ओमेगा की वैल्यू निकलेगी और वही आपकी क्या ओमेगा सी है, दैट इज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू, एंड इफ इट इज नॉट क्लियर देन प्लीज कॉमेंट। वोल्टेज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल व्हेन द गेन एंड फेज कर्व्स डिक्रीज कंटिन्यूसली विद फ्रीक्वेंसी, है ना, ये मैंने आपको बताया ही था। This is AR. तो अगर ये continuously frequency के साथ decrease होती है, इसका मतलब क्या है AR zero, मतलब AR क्या होता है मेरा output का input divided by input का input, और ये मेरा less than one होना चाहिए। Less than जितना कम होगा उतनी जल्दी वो क्या होगा मेरा, उतना ही मैं मानूंगा कि मेरा stable system है, उतना ही जल्दी मेरा stability को achieve करेगा। तो ये zero की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि output का जो deviation है, output की wave में जो you can say जो change है वो क्या है, कम हो रहा है, है ना। तो इसका मतलब क्या, अगर ये नीचे जा रहा है, अगर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है विद फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स द सिस्टम इज स्टेबल, वो क्या है स्टेबिलिटी अचीव कर रहा है। अगर ये ऊपर जा रहा है इसका मतलब है कि ये मेरा इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब है कि आउटपुट का जो वेवलेंथ है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, आई होप इट्स ऑल्सो क्लियर टू यू। चलो क्वेश्चन नंबर 10 एंड फुल एंड फाइनल क्वेश्चन,
If feedback control loop with a P controller having open loop transfer function, this is my open loop transfer function, and calculate the crossover frequency and the ultimate gain. So, my dear students, we have already discussed that what is the ultimate gain. My ultimate gain is already, my ultimate always calculated at the AR equal to 1, amplitude ratio 1 pe aapka ultimate gain nikalta hai, okay. And calculate the crossover frequency. Crossover frequency basically kya hoti hai, aapki phase angle ko aap minus 180 put karte hai. Okay, वहां से जो आपकी frequency निकल के आ रही है, that is your crossover frequency. And for the stable, for the unstable, for the marginal stable, always calculate the AR amplitude ratio at the crossover frequency omega C. Okay, now the question is very simple now, and we will try to solve this. So this is calculate the crossover frequency. So crossover frequency के लिए क्या करेंगे? मैंने आपको पहले वाले question में आपको discuss किया कि ओवरऑल फाइ को, एंड फाइ ओवरऑल क्या आएगा, जस्ट एडिशन ऑफ द पर्टिकुलर फेज एंगल. सो फाइ ऑफ के सी प्लस फाइ ऑफ 1 बाई एस प्लस फाइ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 5 एस प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 180, राइट, माइनस 180. ठीक है, सो दिस इज के सी, सो कॉन्स्टेंट फेज एंगल 0, 1 बाई एस. नाउ एस को आप पुट कीजिए आइटा ओमेगा, एंड आइटा ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा, और वहां से आपका क्या आ जाएगा, फेज एंगल आ जाएगा टेन इनवर्स बी बाई ए. एंड नाउ दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, एंड स्क्वायर है तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का फेज एंगल होता है मेरे पास टेन इनवर्स माइनस टाऊ पी ओमेगा, और स्क्वायर है तो टू टाइम्स, क्योंकि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, प्लस फाइव इंटू फाइव एस प्लस वन, दो बार लिख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, टू इंटू टेन इनवर्स माइनस टाउ पी प्लस ओमेगा. तो यहां से मैं क्या निकालूंगा, क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो फाइव ओवरऑल इज इक्वल टू माइनस 180, 1 बाई एस का क्या आएगा माइनस टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, एंड के सी का जीरो हो जाएगा मेरा, और यहां से मैं टू लिखूंगा. और इसको अब देखिए, ये मेरे रेडियन में है और ये मेरा डिग्री में नहीं देख सकता, क्योंकि किस में लेना है मुझे, इसको मुझे रेडियन में लेना है, तो इसलिए मैंने 180 को रेडियन में लिख दिया माइनस पाई. सो यहां से दिस इज माइनस, किस पे हो जाएगा आपका, पाई बाय टू पे. सो दिस इज माइनस पाई बाय टू, उधर गया प्लस पाई बाय टू. सो टेन इनवर्स दिस इज पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू, एंड नीचे जाएगा ये माइनस पाई बाय फोर, एंड टेन इनवर्स पाई बाई फोर वन. सो दिस इज माइनस फाइव ओमेगा सी, एंड माइनस वन माइनस माइनस कैंसिल, फाइव ओमेगा सी इज इक्वल टू वन, ओमेगा सी इज इक्वल टू वन बाई फाइव रेडियन पर मिनट. नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द के सी वैल्यू, ना सॉरी, आई हैव टू कैलकुलेट द अल्टीमेट गेन. अल्टीमेट गेन का मतलब क्या है, अल्टीमेट गेन, के सी इज माई गेन, एंड वी हैव टू कैलकुलेट अल्टीमेट वैल्यू ऑफ के सी. सो क्या कहाँ निकलेगी, वो निकलेगी यहाँ पे, ए आर को वन पुट कीजिए एट ओमेगा सी, यही वैल्यू अल्टीमेट, यहां से जो के सी की वैल्यू निकलती है दैट इज अल्टीमेट गेन, एंड जो वैल्यू निकलती है के सी की दैट इज द फॉर द मार्जिनल स्टेबल सिस्टम. सो ए आर कैसे निकालते हैं, ए आर मल्टीप्लाई करते हैं, ओके सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं के सी का वन बाई जो एस था उसका क्या आ जाएगा, आइटा ओमेगा, आइटा ओमेगा से मल्टीप्लाई, आइटा ओमेगा से डिवाइड. सो दिस इज आइटा ओमेगा डिवाइड बाई आइटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सो आई कैंसिल आइटा स्क्वायर माइनस, सो माइनस आइटा डिवाइडेड बाई ओमेगा. सो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड रेशो 1 बाई ओमेगा सी, एंड दिस इज माई फर्स्ट ऑर्डर, ओमेगा सी मुझे पता है, मैंने निकाल लिया 1 बाई फाइव. यहाँ से आपका के सी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 बाई फाइव. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, एंड आई होप कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सब आपको क्लियर होंगे. अगर आप नहीं हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आपके रह गए हैं, या कुछ समझ में नहीं आया, देन प्लीज़ कमेंट में लिखिए. एंड हमारी मोटिवेशन जस्ट कुछ नहीं है, बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, स्टूडेंट्स को हम कुछ डिलीवर कर पा रहे हैं, कुछ हम उनकी हेल्प कर पा रहे हैं. ठीक है, दिस इज़ ऑल आर मोटिव. ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द गेट, बहुत नज़दीक आ रहा है गेट. एंड प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को पूरा पूरा देखें, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में हम ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं कि जो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रही है बहुत कम टाइम में. सो वर्थ करता है देखना. ओके, चलो, थैंक यू सो मच.